नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक अति उत्तम और अति कलाकार, यह 100% कारगर है जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको थोड़ा करने में परेशानियां महसूस होगा। तो दोस्तों, इसका दो विधि है। मैं एक विधि बता रहा हूँ, फिर दूसरा नीचे बता रहा हूँ। रविवार के दिन जब हस्त नक्षत्र हो, उससे एक दिन पहले यानी शनिवार को चिरचिटे के पौधे को जाकर साफ सुथरा नीचे करके और उसे न्योता देकर आए। न्योता आपको क्या देना है कि कल मैं आपको सुबह ले चलूंगा और जुआ खेलने में हमारी सहायता करें, हमें विजयी बनावें, यही न्योता देकर आपको घर चला आना है। दोस्तों, अगर रविवार के दिन हस्त नक्षत्र आपको नहीं मिलता है तो ये दूसरा विधि कर लीजिए। अगर रविवार को हस्त नक्षत्र न हो तो यह दूसरा विधि है। जिस दिन भी आप देखिए, महीना में किसी भी दिन को अगर हस्त नक्षत्र पड़ रहा है तो उसके एक दिन पहले, जिस दिन हस्त नक्षत्र आ रहा है उसके एक दिन आपको पहले जा करके चिटचिटे के पौधे को नीचे साफ सुथरा करके और न्योता देना है। और न्योता में क्या देना है, वही जो मैं ऊपर बताया हूं। और दूसरे दिन हस्त नक्षत्र जब आ रहा है, उस दिन सुबह जाके उस पौधे को उखाड़ लाएं और लाके घर में गूगल पंसारी के यहाँ मिलता है जी, गूगल लाके उसको धुनी दे दिखावें, दिखाकर उसको सुरक्षित रख लें। और जब आपको जुआ खेलने का समय हो, जब जाना हो, तो दाहिने बाजू पर, अपने दहिने पर, हमारा दहिना मन देखिए, आप अपना देखिए, दहिना बाजू में उसको लपेट के एक जड़ में से पूरा जड़ को लपेटना है जी, उसमें से छोड़ना नहीं है। एक जड़ में जितना उसका जड़ आता है उसको बारीक जो है छोटा उसको मोड़ तोड़ के और धागे से बांध के, सफेद धागे से, और बाजू पर बांध के जुआ खेलने जाएं। अब आप जुआ जब खेलने जाएंगे तो वो आपको खुशहाल कर देगा जी, आप बहुत जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, एक ध्यान है, जुआ से जीते हुए धन में से चौथाई हिस्सा दान कर देना है जी, तभी यह जो है आपको फलित करेगा। तो दोस्तों, आइए उस पौधे को मैं दिखाता हूं, पहले देख लीजिए। दोस्तों ये देखिए, ये इसका पौधा है, खूब गौर से देख लीजिए, ये देख लीजिए, वो ये उसकी का पौधा है, ये उसी का पौधा है। दोस्तों दोस्तों, इस पौधे को आपा मार्ग बोलते हैं, चिचिरा बोलते हैं, चिरचिटा बोलते हैं, ओगा बोलते हैं, अधझड़ा बोलते हैं, लटजीरा बोलते हैं। यह सड़कों के किनारे बहुत होता है, खेतों के मेड़ों के ऊपर होता है। और इसमें देखिए, धान के जैसा, देखो दोस्तों, ये सूख गया है, अभी लाया हूं, ये देखिए, इसको जो है धान के बाली जैसा ये निकलता है दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका बाली है धान के जैसा है, देखिए ये बाली है, इसको गौर से देख लीजिए। तो दोस्तों, यह जुआ जीतने के लिए अति कारगर है। और फिर आपको मैं ले चलता हूँ, एक हमारे घर के पीछे एक पौधा है, मैं उसको भी दिखा देता हूँ ताकि आपको भ्रम दूर हो जाए। तो आप चलिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, यह जुआ जीतने का टोटका अति कारगर है, इसमें आप विफल नहीं होंगे, इसमें 100% जो है यह कारगर है। तो दोस्तों, इसका दो विधि है, दोनों को मैं फिर बता रहा हूं।
अगर रविवार के हस्त नक्षत्र में आप लाते हैं तो अति कारगर होगा। अगर रविवार के दिन हस्त नक्षत्र आपको नहीं मिलता है, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसकी दूसरी विधि है कि किसी भी दिन को अगर हस्त नक्षत्र पड़ रहा है, आप पंचांग से देख लीजिए या किसी से देखवा लीजिए, अगर किसी भी दिन को हस्त नक्षत्र पड़ रहा है तो उसके एक दिन पहले शाम को जाके इस पौधे को साफ सुथरा नीचे करके उसको निमंत्रण दीजिए कि भाई कल आपको मैं ले चलूँगा और जुआ जीतने के काम में ले चलूँगा, हमें आप मदद करिए, सहायता करिए। और दूसरे दिन जाके सुबह भोर में कोई टोक टाक ना करे, ना कोई देखे, उस जड़ को उखाड़ के लावे और जड़ को घर लाके पंसारी के यहाँ से गूगल लाइएगा, धूप गूगल मिलता है जी, उसको खूब धूप गूगल दिखा के घर में सुरक्षित रख लीजिए। और उसको दोस्तों इस जड़ को आप ऐसे मोड़िए, ऐसे जैसे देखिए मैं जड़ का विधि बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे कई मोड़ कर लीजिए। मोड़ करने के बाद आप इसको सफ़ेद धागे से बांध लीजिए और बांध के जब खेलना जाना हो तब जो है अपने बाजू पर बांध लीजिए सफ़ेद धागे से और बांध के जाइए, उस दिन आप खुशहाल हो जाएंगे। और हफ्ते में एक बार इसको बदलते रहिए, एक बार जो है 6-7 पौधे को ला सीध करके घर में रख लीजिए और फिर जो है आप देखिए तमाशा, जीते हुए धन में से 1/4 हिस्सा आपको कहीं ना कहीं दान में देना होगा, तभी जो है आप आगे सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों। तो जुआ जीतने के लिए अति कारगर अति महत्वपूर्ण यह है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।